जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल विंटर्स गेम्स 2023 में हिमाचल की झोली में गोल्ड आया है, जिसे लेकर हिमाचल में खुशी का माहौल है, क्योंकि स्नो शूज गेम में हिमाचल को पहली बार गोल्ड मेडल मिला है। बिलासपुर की रहने वाली निशा देवी ने स्नो शूज गेम में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर हिमाचल की झोली में डाला है। गोल्ड मेडलिस्ट निशा देवी के गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब तैयारी स्वागत की है। स्नो शूज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ऋषिल चंद और जिला उपाध्यक्ष हुकम चंदेल ने कहा कि गोल्ड मेडल भी जीता निशा का बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और खेल मंत्री विक्रम आदित्य सिंह से शिष्टाचार भेंट की जाएगी। निशा देवी की मेहनत रंग लाई है, लेकिन इस मेहनत के साथ ही इसका श्रेय चीफ कोच ईशान अख्तर को भी जाता है। भारत सरकार के अंतर्गत खेलो इंडिया के तहत थर्ड विंटर गेम्स में हिमाचल प्रदेश को स्नो शू गेम में पहला मेडल मिला है। विंटर्स गेम में हिमाचल प्रदेश की जिला बिलासपुर की बेटी निशा, जो मूलतः जिला बिलासपुर के चंद्रौर से संबंध रखती है, निशा देवी ने खेलो इंडिया के तहत विंटर गेम्स में स्नो शू गेम्स में पहला मेडल जीतकर हिमाचल की झोली में डाला है। हिमाचल को पहला गोल्ड मिलने के बाद बिलासपुर जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, और इसी के साथ निशा की इस शानदार पारी के बाद लोगों को कई उम्मीदें नजर आ रही हैं कि आने वाले दिनों में भी निशा ऐसे ही जीत हासिल करेंगी। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।